हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास टेंथ उड़ान बैच के सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स का पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को जानने की कोशिश करेंगे और उसके लास्ट में हम लोग पॉलीनोमियल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल्स, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले इस पॉलीनोमियल का एक बेसिक मतलब जान लेते हैं, आगे हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो पॉलीनोमियल एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल्स। तो इनका मीनिंग क्या होता है, देखो पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब मोर देन वन या फिर मोर देन टू बोल सकते हो, तो एक से ज़्यादा चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मेनी बोलेंगे। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होने वाले हैं। अब ये टर्म्स क्या होते हैं इसकी भी आगे मैंने डेफिनेशन समझाइए तो हम वहाँ देखेंगे। तो अभी केवल इतना सा ध्यान रखो कि पॉलीनोमियल्स एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, एक पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। एक एक करके जब प्रॉपर पॉलीनोमियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पॉलीनोमियल को तो हमारा बहुत बाद का टॉपिक होगा, इससे पहले हम छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन से जो बार बार हमारे यूज होने वाली है उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो दो टर्म्स है उनका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखो समझते हैं, देखो कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टेंट कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं मैथमेटिक्स के जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कोई सी भी कंडीशन हो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि ऐसे कुछ बेसिक सिम्बल्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज रहती है, यानी कि बदलती नहीं है कोई सी भी सिचुएशन हो, इन एनी कंडीशन, ठीक है, इन एनी सिचुएशन। अब इसका क्या मतलब हुआ उसको समझो। देखो जैसे कि मैंने किसी क्वेश्चन में टू लिख दिया तो वो टू ही रहेगा, हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो वो हो सकता है कंबाइंड होकर कुछ और बन जाए, लेकिन कहीं पे टू लिखा हुआ है तो वो टू अपने आप नहीं बदल जाएगा। अब ये बदलने का क्या मतलब है वो आपको वेरिएबल में अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे -5 ले लिया, इवन जो पाई हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वो भी क्या होती है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, जैसे कि माइनस का 3/2 हो गया या 5/7 हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स जिनको हम लिटरल्स भी बोलते हैं इनका क्या मतलब है। इसका मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक तो एक्चुअल में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आगे के टॉपिक्स आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। तो देखो वेरिएबल्स का मतलब है वेरी करना, वेरिएबल एक वर्ड से बना वेरी करना, और वेरी करने का मतलब होता है चेंज होना। तो ऐसे कुछ सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, अब इस चेंज होने का क्या मतलब होता है वो समझो। देखो जैसे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ इस एग्जाम्पल को। तो देखो यहाँ मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की विड्थ, मैं इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं इसके लिए सिंबल यूज नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी विड्थ, ठीक है। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये आप लोग यहाँ नोट कर लेना नीचे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जो अभी मैं जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसकी जो शेप है ये भी कैसी है, रेक्टेंगल है। आप लोग जिस मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हो उसकी भी शेप कैसी होगी, रेक्टेंगुलर है। इसके अलावा आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स और देख सकते हो, उनकी भी शेप क्या होती है, जैसे कि आप लोगों का जो दरवाज़ा होता है उसकी शेप भी क्या दिखेगी आप लोगों को, रेक्टेंगुलर दिखेगी। तो इन सब शेप्स के लिए लेंथ और विड्थ की वैल्यू बदल रही होगी। तो हो सकता है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसकी लेंथ और विड्थ क्या हो, अलग हो, और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल की लेंथ और विड्थ क्या होती है, अलग होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो रही है, लेंथ और विड्थ की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम यही तो पढ़ रहे थे कि वेरिएबल्स कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है, ऐसे कुछ सिम्बल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, लगातार बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसके साथ ही जिस पेपर पे आप लिख रहे होंगे उस पेपर की जो साइज है वो भी वेरी कर रही होगी, यानी उसकी लेंथ और विड्थ भी क्या हो रही होगी, बदल रही होगी। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या हो रही है, बदल रही है। तो इनके लिए हम सिम्बल्स यूज कर लेते हैं, जैसे लेंथ के लिए मैंने एल यूज कर लिया और विड्थ के लिए मैंने बी सिम्बल यूज कर लिया। तो क्या इन दोनों सिम्बल्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, नहीं होगी। जैसे कि इस बोर्ड वाले केस में देखे थे, बोर्ड वाले केस में क्या होगा, लेंथ और विड्थ फिक्स हो जाएंगे, ठीक है,
केवल अकेला यही बोर्ड होता तो उसके लिए एल और बी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। बट दुनिया भर में क्या है, रेक्टेंगुलर शेप तो बहुत अलग अलग टाइप की मिलेगी आप लोगों को, तो सबके लिए एल और बी की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो यहां मैं इसको बता सकता हूं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, जो कि क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी, वहां पे जो ये एल और बी है इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो यहां इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होंगे, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंजेबल होती है या चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो, नोट है एक तरीके का। तो देखो, जैसे कॉन्स्टेंट्स को हम मैथमेटिक्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, वेरिएबल्स को हम जनरली क्या करते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख माइनस ए एक्स लिख दिया, या फिर जेड लिख दिया, एक्सेट्रा। तो अल्फाबेट्स क्या होंगे, वेरी करेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 3 है तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू बदल के बन के 3 हो जाएगी। किसी क्वेश्चन में उसी एक्स की जगह पे क्या हुआ, 5 वैल्यू है तो एक्स की 2 वैल्यूज हो गई, अब 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो वैल्यू क्या कर रही है, इसकी वेरी कर रही है। तो आई होप आप लोगों को वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा। एक नोट है वो समझ लेते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू भी क्या होती है, अल्फाबेट से लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान पढ़ा होगा। तो जी क्या है, एक वेरिएबल वाला सिंबल हमने बनाया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻¹¹। तो जो कि एक कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है। तो हम बोल सकते हैं कई बार क्या होता है, इसी तरीके से आप लोग पढ़ोगे स्मॉल सी, यहां जी क्या है, यहां मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जहां हवा भी नहीं होती, ऐसी जगह पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब हो गया, एक्चुअल में देखा जाए तो 30 करोड़ मीटर चलती है एक सेकंड के अंदर। तो इतनी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में फिक्स है, ये वैल्यू बदलेगी नहीं। लेकिन हमने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट को भी क्या कर दिया, किसी सिंबल से डिनोट कर दिया। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है, अगर वो स्पेशली बताता नहीं है कि ये वाला सिंबल किसके लिए यूज हुआ है तो वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन अगर वो सी लिख के बोल देता है कि सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे यूज हुआ है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो हमने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की पढ़ ली है। साथ में ये भी समझ लिया है कि कई बार क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स को भी क्या किया जाता है, वेरिएबल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसके बाद में हमारे जो अगले दो टॉपिक्स है वो है अलजेब्रा क्या होता है। एक्चुअल में हम जो अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, एक मैथ की ब्रांच के अंडर में आती है। मैथ की कई कैटेगरी बना दी है हमने, जैसे कि हमारे को डेटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 पूरा होने वाला है। जैसे अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ना है, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, उसके बारे में हमारे को पढ़ना है, तो वो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हमारे को फिगर्स के बारे में पढ़ना है, डायग्राम्स के बारे में पढ़ना है, तो हम ज्योमेट्री के अंदर जाके पढ़ते हैं। इसके अलावा एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, पेरीमीटर वगैरह के बारे में पढ़ना है तो हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, जो हम लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग अगर चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे एरिया के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक ब्रांच और होती है जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं और कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को ही क्या बोला जाता है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो जो कॉन्स्टेंट, अभी हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, यानी ये समझ लो कि हम लोग मैथ की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, अभी अलजेब्रा वाली ब्रांच पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अलजेब्रा वाली ब्रांच पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी चीज है वो हमें ध्यान रखनी है,
कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी आप लोगों को चीज़ लिखी हुई दिख रही है ना, उस लिखी हुई चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, एल्जेब्रिक से अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि एल्जेब्रा से रिलेटेड क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा, और एल्जेब्रा से रिलेटेड होगा इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स दिखेंगे और कुछ कॉन्स्टेंट दिखेंगे, साथ में मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के साइन भी दिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मतलब है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन सब का जब कंबाइंड कर दिया जाएगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड विद द साइन ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को बोला जाता है, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जो हर कोई परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इन सबको कंबाइंड करके लिख दिया जाता है तो क्या बनता है हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, 2x² - 3y + 7। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो देखो यहाँ पे x और y, तो ये तो क्या हुए, दो वेरिएबल्स यूज हुए, इसके साथ ही 2 - 3 और 7 ये कॉन्स्टेंट्स हमने यूज किए, साथ में यहाँ पे माइनस प्लस, और देखो यहाँ पे 2 और एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई, ये तीन हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज किया है और इन सबको कंबाइंड करके लिख दिया ये वाला, देखो। तो जो कंबाइंड करके लिखा है वही क्या कहलाएगा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को देखो, तो यहाँ पे ए और बी, ये तो एज ए वेरिएबल यूज हुए, इसके साथ ही 3, 5 और -9 ये कॉन्स्टेंट्स यूज हुए, और साथ में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस क्या हुए, साइन यूज हुए, इन सबको कंबाइंड करके लिख दिया, तो ये भी क्या होगा हमारा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स क्या होते हैं, इसको भी ध्यान से समझना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हो सकता है इनके ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन बेसिक्स अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो इनके बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देखो टर्म्स क्या होते हैं उसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल को समझते हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल में एक्चुअल में क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, पहले बात तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ ये एक एग्जाम्पल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है, कॉन्स्टेंट यूज हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हुआ है। वेरिएबल कौन सा, एक्स यूज हुआ है, देखो इसके साथ ही कॉन्स्टेंट 2, -3, 4 और -7 यूज हुआ है, साथ में जो साइन यूज हुआ है वो कौन से, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यूज हुआ है, इन दोनों के बीच में माइनस यूज हुआ है, फिर मल्टीप्लाई, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, ये साइन को कंबाइंड करके हमने इन सबको लिख दिया, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके ऊपर लैंग्वेज पे ध्यान देना, जो भी प्लस और माइनस से अलग अलग करके लिखे हुए, यानी प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड पार्ट्स है वो कौन कौन से होंगे वो देखो, ये एक पार्ट ये रहा प्लस और माइनस से सेपरेटेड, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, यानी ये चार पार्ट है जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है, किसके, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। इन चारों पार्ट्स को ही क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। तो टर्म्स का सिंपल मतलब क्या हो गया, ये पार्ट्स होते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं। तो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। ध्यान रखना इन सबको जब भी लेना है हमें विद साइन लेना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो देखो इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे जिनको हम टर्म्स भी बोलेंगे, जो प्लस माइनस से सेपरेटेड होने चाहिए। एक तो 2x³ हो गया, ठीक है, पावर 3 को हम क्यूब पढ़ते हैं। एक हो गया 3x². अब मैंने क्या बोला कि हमें विद साइन लेना है, तो पॉजिटिव कहीं पर होता है तो वो साइन लगाने की जरूरत होती नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है वो पॉजिटिव मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे 3x² एक्चुअल में किसका है, माइनस का है, तो ये एक्चुअल में
जो वो होगा टर्म होगा वो क्या होगा, माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, आगे प्लस है वो लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में क्या होगा, माइनस 7 होगा। यानी ये जो चार पार्ट्स मैंने लिखे ये एक्चुअल में क्या है, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग टाइप्स ऑफ टर्म्स को देखते हैं और आगे के जो भी डेफिनेशन है बेसिक वो समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम कुछ छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन और हैं उनको आगे देखने वाले हैं। तो देखो अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा, वो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं या पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे हमारे को पॉलीनोमियल्स को ऐड करने की सबट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है कहीं पर भी। अगर आप लोगों को लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का बेसिक आइडिया नहीं होगा तो आप लोग उनको ऐड नहीं कर पाओगे या सबट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एडिशन एंड सबट्रैक्शन के लिए बेसिक कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो टर्म्स है वो लाइक होने ही चाहिए। तो आप लोगों को अगर पता ही नहीं है कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइक टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो, और इन वेरिएबल्स की जो पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इनकी पावर्स भी क्या हो, सेम हो। अगर दोनों सेम हो, पावर्स भी सेम हो और इसके वेरिएबल्स भी सेम हो, तो ऐसे दो टर्म्स या दो से ज़्यादा टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों का एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ एक्स है, वी यानी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल क्या यूज हुआ, एक्स है। या वेरिएबल की पावर कितनी है, ध्यान रखना जहाँ कुछ भी पावर नहीं दी हुई है वहाँ पे पावर हमें कितनी माननी होती है, वन पावर माननी होती है। तो यहाँ भी वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, वन है। यहाँ भी वेरिएबल की पावर कितनी है, वन है। तो क्या दोनों सेम दिख रहे हैं आप लोगों को, तो हम बोल सकते हैं कि 2x और -3x दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे लाइक टर्म्स होंगे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, इधर भी वेरिएबल y यूज हुआ है। यहाँ वेरिएबल की जो पावर है y की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये दोनों के दोनों टर्म्स भी क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। आई होप लाइक टर्म का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो अनलाइक टर्म्स के तीन कैटेगरी बना सकते हो आप लोग। हो सकता है वेरिएबल सेम हो लेकिन पावर्स क्या हो, डिफरेंट हो सकता है कि वेरिएबल्स डिफरेंट हो लेकिन पावर्स क्या हो, सेम हो सकता है कि एंड दोनों ही क्या हो, बोथ आर डिफरेंट हो। अब इन तीनों के एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। वो तीनों केस अगर कहीं पे बनते हैं तो हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स है। तो पहले क्या है, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। जैसे एक 2x लिख दिया हमने और एक माइनस का 5x स्क्वायर लिख दिया। देखो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, वेरिएबल सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो दोनों की पावर डिफरेंट है। तो मतलब ये दोनों के दोनों टर्म्स क्या होंगे, अनलाइक टर्म होंगे। ध्यान रखना कोमा से सेपरेटेड है इसलिए इनको टर्म्स बोल रहे हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। फिर बात करें हम लोग कि वेरिएबल डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ये ले लिया और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मैंने ये, तो देखो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, दोनों में वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, तो यहाँ पे पावर सेम है, लेकिन इनको हम अभी भी क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है दोनों ही डिफरेंट हो, जैसे कि एक 2x है, एक है माइनस का 3y स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल वाई यूज हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। तो ये तीनों केसेस कहीं पे अगर बनते हैं तो हम बोलेंगे कि वो क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स होते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई इसको पढ़ना क्यों है, इसको पढ़ने का पर्पज क्या है, कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो केवल लाइक टर्म्स को ही क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x - 5x करना है, तो सिंपली जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे करना है। 2 में से -5 करेंगे तो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दूं, तो 5 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 3, और एक्स ऐसे कैसे आ गया, ठीक है 5x - 2x कितना बचा 3x, लेकिन बड़ा साइन किसका है, नेगेटिव का है, तो माइनस का 3x आ गया।
तो यहां देखो अगर यही चीज ऐसे दे देता 2x + 3y तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कभी भी अगर एडिशन करना पड़े तो केवल लाइक टर्म्स का ही एडिशन करना है, ऐसे नहीं करना है कि जैसे 2x + 3y, जैसे मैं यहाँ समझाने के लिए लिख दूँ कि तुम लोगों ने इसको क्या कर दिया 5xy कर दिया, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल 5xy। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विच फॉर्म ए टर्म इज कॉल्ड अ फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल था, एक क्या था, कॉन्स्टेंट था, दोनों को कंबाइंड कर दिया हमने, तो कंबाइंड करके एक साथ मल्टीप्लाई के थ्रू कंबाइंड किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा एक टर्म बोल दिया। उस टर्म में जब वो पहले अलग अलग थे तो वो जो कंबाइंड करने से पहले जो हर एक पार्ट था उसका वो क्या कहलाता था, फैक्टर कहलाता था। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इससे एग्जांपल को समझा के फिर मैं डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर वापस एग्जांपल पे आऊंगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिख रखा -5x²y, यानी एक्चुअल में किससे, माइनस का 5x²y, ये पहले अलग अलग रहे होंगे, इन सबको कंबाइंड कर दिया हमने, कंबाइंड करके लिखा तो ये पूरा एक टर्म बन गया। तो कंबाइंड करने से पहले जो इसके पार्ट्स थे जिनको हमने कंबाइंड किया था, उन पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को हम क्या बोल रहे थे, फैक्टर्स बोल रहे थे। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, देखो एक ये वाला पार्ट है जो नंबर वाला पार्ट है जो कॉन्स्टेंट है, और एक ये वाला पार्ट है जिसमें क्या यूज हुआ है, वेरिएबल्स यूज हुए। मतलब इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो माइनस का 5 और एक x²y। तो यहाँ पे क्या होता है, इस माइनस 5 को क्या बोला, यानी हम बोल सकते हैं कि माइनस 5 और x²y दोनों को हमने कंबाइंड किया। ठीक है, कंबाइंड करने पे क्या बन गया, -5x²y बन गया। तो -5x²y पूरा एक टर्म कहलाएगा, लेकिन कंबाइंड करने से पहले क्या था, एक -5 था, एक x²y था। तो -5 और x²y ये दोनों अलग अलग जो लिखे हुए होंगे ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो -5 है कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल फैक्टर, या फिर कॉन्स्टेंट फैक्टर भी बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या, अभी आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या बोलेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि इसका क्या बताओ, फैक्टर्स करके बताओ या कोफिशियंट बताओ, आगे हम कोफिशियंट भी पढ़ने वाले हैं। तो जब कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हमारे को हमेशा क्या करना होता है, न्यूमेरिकल वाला जो फैक्टर होता है उसी को लिखना हुआ वहाँ पे लिखना होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, न्यूमेरिकल फैक्टर का मतलब है कॉन्स्टेंट वाला फैक्टर। ठीक है, इसके साथ ही जो ये वाला पार्ट है, जैसे कि कितना वाला बचा हुआ पार्ट, x²y, ये भी एक्चुअल में तीन चीज़ों से मिलके बना, हो सकता है x से मिलके बना हो सकता है xy और x दोनों को कंबाइंड किया तो ये बने, एक y है, एक x² है, एक पूरा x²y। तो ये जो सारी चीज़ें, इन सबको कंबाइंड करने पे क्या बना था आपस में, मतलब ध्यान रखना सबको एक साथ कंबाइंड नहीं किया, जैसे इन दोनों को कंबाइंड करने पे ये बन जाएगा, इन दोनों को कंबाइंड करने पे भी ये बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अकेला ले लो तो ये भी क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो इन सबको आपस में कंबाइंड करने से क्या बना था ये, तो ये सारे भी क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं, और ये वेरिएबल्स वाले फैक्टर्स हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, लिटरल फैक्टर्स या फिर वेरिएबल फैक्टर बोला जाता है। आई होप फैक्टर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फैक्टर क्या होता है, किसी भी टर्म के वो पार्ट्स जिनको हमने कंबाइंड किया था टर्म बनाने के लिए, वो अलग अलग जो सेपरेटेड थे उनको हमने क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि ईच कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन जिसको मिलाने पर हमें क्या मिल जाए, एक टर्म मिलता है। तो जैसे यहाँ पे तो एक कॉम्बिनेशन तो -5 और x²y को मिलाने पर क्या हो गया, ये बन गया। एक ये भी हो सकता है कि -5x² और -y, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो -5x² और y, ये दोनों भी क्या है, एक हमारे फैक्टर्स है। ध्यान रखना जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं, जो वेरिएबल पार्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बहुत एक छोटा सा नोट है उसको भी समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ये है तो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, 1 × x, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, 1 × x। अब जैसे यहाँ पे -y है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, -1 × y। तो जहाँ -1 लिखा है वहाँ पे तुम्हें कभी भी अगर समझना है, अगर यहाँ पे इसका क्या पता ना, यहाँ पे कौन सा फैक्टर था,
कॉन्स्टेंट फैक्टर कौन सा था या न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा था, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर कितना है, वन है। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और दो जैसे एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल दोनों कंबाइंड करके लिखे हुए, बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो वहाँ हमेशा क्या समझना है अपने को, मल्टीप्लाई समझना है। जैसे 2x लिख रखा है तो ये एक्चुअल में 2 मल्टीप्लाई कितना है, x है। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें दिखेंगी नहीं तो आप लोग इसको क्या करोगे, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो है कोफिशियंट्स क्या होते हैं, वो ध्यान से समझना। इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो कोफिशियंट का क्या मतलब है वो समझो। देखो, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा समझो हमारे पास दो पार, एक टर्म था माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई, जैसे ये वाला, इसके दो फैक्टर थे, एक माइनस का फाइव, एक था एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या बोला, एनी टर्म, एनी फैक्टर, जैसे ये माइनस का फाइव फैक्टर या फिर एक्स स्क्वायर वाई, दोनों में से कोई भी ले लो, एक क्या कहला, कोई भी फैक्टर दूसरे का क्या कहलाता है, कोफिशियंट कहलाता है। यानी कि माइनस फाइव वाला जो फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशियंट है, और एक्स स्क्वायर वाई क्या है, माइनस के फाइव का कोफिशियंट है। मतलब कि यही चीज मैंने लिखी है, देखो एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, किसी भी टर्म के जितने भी फैक्टर्स होंगे उसका कोई भी एक फैक्टर बाकी का जो कुछ भी बच गया उस वाले पार्ट का क्या कहलाएगा, कोफिशियंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, इन 7x, 7 क्या है, इज द कोफिशियंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, x बच गया, तो 7x का क्या है, कोफिशियंट है। उसी तरीके से माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई की बात करें तो यहां पर जो 5 है, 5 क्या है, कोफिशियंट है किसका, रिमेनिंग पार्ट का। 5 को छोड़ के क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहां पे ये लिखा हुआ, देखो 5 इज द कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका मैं एक और जैसे बना के बताऊं, अगर आप लोगों को बताना है कि कोफिशियंट ऑफ माइनस वाई बताना है, तो माइनस वाई का, तो माइनस वाई को छोड़ के क्या बचेगा, माइनस और वाई को छोड़ दिया तो 5 बचा और एक एक्स स्क्वायर बचा, तो कोफिशियंट ऑफ माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर वाई। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कोफिशियंट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई भी एक दो नोट है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि ये कुछ क्वेश्चंस मैंने 8 क्वेश्चंस यहाँ लिखे, इनमें हमें केवल किसका कोफिशियंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, वो वाला टर्म पिक करना पड़ेगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो देखो, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करना है, हर एक केस में हमारे को एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर कहाँ पड़ रहा है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बच गया वो क्या होगा, उसका कोफिशियंट होगा। तो कितना होगा यहाँ पे, प्लस का 7, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस वाले केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 7 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है यहाँ। अब मैंने अभी अभी बताया कि अगर किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पे हमेशा क्या मानना है, 1 मानना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, पाई बाई 6, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशियंट हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, कहीं पे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 7। भाई इसके आगे कुछ नहीं था तो ये प्लस का था। अब 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करोगे वापस से क्या हो जाएगा, वो 0 ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर टर्म है ही नहीं तो वहाँ पे कोफिशियंट क्या होगा उसका, 0। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, जहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा वहाँ कोफिशियंट बराबर कितना हो जाएगा, 0। भाई वो टर्म है ही नहीं, तो टर्म एक्चुअल में ऐसा समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 का भी रहा होगा, तो 0 होके वो खत्म हो गया होगा, तो उसका कोफिशियंट एक्स स्क्वायर के मल्टी उसमें
मल्टीप्लाई में क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, तो इसलिए बोल देंगे जहां पे कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म। जरूरी नहीं है इस वाले केस में एक्स स्क्वायर पूछा है, हो सकता है किसी अलग केस में अलग कोई पूछे, कि जो भी चीज जिसका भी वो कोफिशियंट पूछेगा अगर वो वाला टर्म नहीं है तो उसका कोफिशियंट क्या लिखना है, हमेशा जीरो लिखना है। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का क्यूब दे रखा है, तो अब आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी थ्री का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, यानी ए यहाँ पे कौन है, ए है और बी क्या है, थ्री है, थ्री ए स्क्वायर बी, बी कितना है थ्री, प्लस थ्री ए, ए कितना एक्स और बी स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर। जब इन सबको कंबाइंड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है तो इसको सोल्व भी नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ एक्स तीन की पावर तीन है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ओनली कितना एक्स है, तो इन तीनों से हमारे को कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो किसका कोफिशियंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, वो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर को इस वाले टर्म को हम थ्री थ्री जा नाइन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट में कितना है, नाइन है, तो हमारा जो इस वाले केस का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा वो कितना होगा, नाइन होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब अगले वाले क्वेश्चन में हमें पहले इसको इस पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि इसका हर एक टर्म इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले थ्री एक्स स्क्वायर से होगा, फिर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स से होगा, फिर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के टू से होगा, फिर ये टू एक्स इन तीनों से होगा, फिर माइनस का फोर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो एक तो तरीका है तुम पूरा मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बड़ा सा रिजल्ट निकाल लो, फिर वहाँ से एक्स स्क्वायर को पिक करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, मुझे केवल वही टर्म्स चाहिए जो क्या हो, एक्स स्क्वायर जिसमें आ रहा हो, तो वहाँ जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर बन रहा होगा उन उनको ही मैं देख लेता हूँ। तो देखो जैसे थ्री एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स की पावर फोर बनेगा, हमें मतलब नहीं है उससे। थ्री एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स की पावर तीन बनेगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन थ्री एक्स स्क्वायर को माइनस के टू से करोगे, तो थ्री को पहले माइनस टू से करोगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, थ्री टू जा सिक्स यानी माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर बना। और भी देखते हैं क्या कुछ और भी बन रहा है क्या, तो इसका तो हमने तीनों से कर लिया, जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमने, जैसे यहाँ पे कुछ और भी आएगा वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, वो आप लोग खुद सोल्व करके लिखना कि कितना होगा मल्टीप्लाई का। एक्चुअल में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कोफिशियंट फाइंड करने का है। फिर हम बात करें इसको इससे करें, तो यहाँ पे कितना है, प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स पावर तीन बनेगा, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 2x को माइनस 3x से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x और x क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, x को x को x से करेंगे तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर इसको इससे करेंगे तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है, ओनली x आएगा, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। फिर बात करें इसको इन तीनों से करना है, तो देखो माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से करो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना बनेगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर। फिर इसको इससे करो तो यहाँ पे देखो ओनली एक्स बनेगा, और इसको इससे करोगे तो एक कॉन्स्टेंट बनेगा, एक्स वाला कोई टर्म बनेगा ही। मतलब ये जो तीनों टर्म्स ऐसे थे जिससे हमारा क्या निकल के आएगा, कोफिशियंट निकल के आएगा। तो इन तीनों को पहले तो ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि टर्म्स क्या होने चाहिए, लाइक होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी वेरिएबल तीनों में क्या है, एक्स है, तीनों की पावर भी कितनी है, टू 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 है, तो हम बोल सकते हैं तीनों के तीनों टर्म्स कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, तीनों माइनस के, तो जब माइनस माइनस तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन फाइनल में क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व और माइनस फोर माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, माइनस सिक्सटीन। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से देखना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो रिवाइंड करके देखना, पहले खुद सोल्व करना, लाइक टर्म्स अगर कहीं आ रहे हैं तो उनको आपस में ऐड करना है और उसके बाद में ही हम लोगों को आगे सोल्व करना है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे, पहले एक्स को एक्स से करेंगे तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, एक्स को वन से करना है तो एक्स आएगा, फिर एक्स को इससे करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का आएगा, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में टू चल रहा था तो वैसे कैसे चलेगा। फिर इस माइनस वन को इन दोनों से करना है, ये माइनस का है ये वन प्लस का है तो माइनस का आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। फिर इस माइनस को इस माइनस से करना है तो ये माइनस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और वन को टू एक्स से करेंगे तो
टू एक्स आएगा। हमें केवल किसका कॉफिशियंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है, माइनस का टू, तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस का टू। हो सकता है इन क्वेश्चंस को क्या किया जा सकता है, आप लोगों को एमसीक्यू बना के दिया जा सकता है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। पहले इन दोनों, इसको दो को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन दोनों से करना है। टू को एक्स स्क्वायर से करेंगे, टू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर टू को माइनस फाइव से करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस का है तो माइनस का टेन आ जाएगा। फिर इस माइनस को इस प्लस से करेंगे तो माइनस का आएगा, थ्री आ गया। और एक्स स्क्वायर तो पावर कितनी हो जाएगी, टोटल चार हो जाएगी। फिर ये माइनस का, ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। थ्री को फाइव से करेंगे 15 आएगा, और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब एक्स स्क्वायर वाला चाहिए तो इन दोनों से पिक करना पड़ेगा। तो पहले तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे 17x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 15x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 10 माइनस 3x पावर 4। लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, तो वो कितना होगा 17। तो ये 17 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, वो है पॉलीनोमियल की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है पॉलीनोमियल का मीनिंग क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, और एक्चुअल में पॉलीनोमियल क्या होता है। पॉलीनोमियल का हमने मीनिंग एक बेसिक मीनिंग जान लिया था कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे उसको हम क्या बोलते थे, पॉलीनोमियल, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल्स, पॉली यानी मेनी और नोमियल्स यानी टर्म। बट एक्चुअल में पॉलीनोमियल को कैसे समझेंगे कि कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा, उसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। देखो एग्जांपल्स को ध्यान से समझना, अगर एग्जांपल समझ में आ गए आप लोगों के तो आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन है। ये एक्चुअल में लिखने का तरीका है, आप लोगों को इसके कभी रट्टे नहीं मारने, तुम्हारे को केवल समझना है कि इसको लिखा कैसे जाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला आप लोगों के लिए, कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ पहले ही, और अगर कोई आएगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इसके करने वाले हैं। तो देखो हमारा ये है, दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। पहले तो मुझे बताओ क्या ये दोनों के दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दोनों के दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स यूज हुए हैं और कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं। देखो एक्स वेरिएबल है 2, 3, -5, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है 2, -3, 7, ये कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं। मतलब जहाँ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट और साइन का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलते हैं। लेकिन क्या ये दोनों के दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल्स भी है, इसकी पहचान कैसे करें। तो इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों के अंदर वेरिएबल्स को पिक करो, उनको देख लो कौन कौन से हैं, फिर उन वेरिएबल्स की पावर निकालो। अब उसके बाद में हम समझते हैं कि फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल क्या मान सकते हो, एक्स की पावर जीरो मान सकते हो। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर जीरो का वैल्यू कितनी होती है, वन। किसी भी नंबर की पावर जीरो होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। तो फाइव मल्टीप्लाई वन करोगे तो फाइव ही आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ था नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, तीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर एक्चुअल में 1/2। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2 दे रखी है। यहाँ पे वेरिएबल था नहीं, अगर मान लिया कि एक्स की पावर जीरो रहा होगा तो वेरिएबल की पावर कितनी है, जीरो। जहाँ कोई वेरिएबल है नहीं तो उसकी पावर कितनी लेनी है, जीरो लेनी है। फिर यहाँ भी करके देखते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस पता करते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर जीरो है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करना। दोनों के दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर आ रही है ये फ्रैक्शन में भी आ रही है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव में भी आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, 1/x², ठीक है, ये आप लोगों के लिए विजिबल होगा क्या इतना छोटा, देखो मैं लिख देता हूँ 1/x², यहाँ है ये। तो एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स की पावर माइनस टू। तो यहाँ पे 1/x² वाला जो टर्म है, जो लास्ट में यहाँ वो लिख देता हूँ, इसकी जो पावर होगी वो एक्स की क्या होगी, वेरिएबल की। यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स है और पावर कितनी है, माइनस। यानी इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनकी पावर नेगेटिव भी मिल रही है, पॉजिटिव भी मिल रही है, और फ्रैक्शन में भी दिख रही है, जीरो भी दिख रही है। लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप लोगों को जो पावर है वो नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव दिख रही होगी, या फिर होल नंबर दिख रही होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही से हमारी डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन क्या है कि ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर
हमेशा क्या हो, होल नंबर हो। तो मतलब ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बना सकते हो, यहां पे लिख सकता हूं। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैं समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा डेफिनेशन की व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आना चाहिए, जिसलिए मैं इसकी लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिख रहा हूँ। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सभी वेरिएबल्स की पावर, सभी वेरिएबल्स की पावर पावर्स होल नंबर हो, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 हो, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो और माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, केवल होल नंबर होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सभी वेरिएबल्स की पावर क्या, होल नंबर हो, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक और छोटा सा नोट है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आप पॉलिनोमियल हमने बनाया है ना, इस पॉलिनोमियल को क्या है, एक नया तरीके से लिखेंगे हम, बार बार ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिख के, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका बना दिया गया है। वो क्या होगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 2x³ + 4x - 1, पहले बात तो देखो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल की पावर 0 है। क्या तीनों के अंदर वेरिएबल होल नंबर आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 आ रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, होल नंबर है। तो ये एक ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल तो होगा। जब ये पॉलिनोमियल है तो इसको लिखे कैसे, इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, एक्स। तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, पी एक्स लिख दिया, पी एक्स की जगह आप लोग जी एक्स भी लिख सकते हो, यू एक्स भी लिख सकते हो। इसको रीड क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स, इसको क्या पढ़ा जाएगा, पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर यहाँ पे वेरिएबल वाई लिखा हुआ था तो पॉलिनोमियल इन वाई बोलते हैं, यानी पी वाई लिख देते या जी वाई लिख देते। जैसे यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे 3t² + 5t + 3, तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सभी वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर आ रही होगी, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया एफ, स्मॉल एफ और टी, टी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, यानी जो भी वेरिएबल तुम यूज करोगे उसको क्या करना है, ब्रैकेट में लिख दो और पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे दो, जैसे एफ पी वगैरह नाम दे दो। तो इसको एफ टी बराबर 3t² + 5t + 3, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन टी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद में हम जो पॉलिनोमियल अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स वन एक्स की पावर वन, ठीक है, प्लस ए नोट। अब ये ए नोट एक्स की पावर एन, ये आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज कर दो, इसको कन्फ्यूज कर होना ही नहीं है, इसको समझो। देखो क्या करना है हमारे को, एक मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ पी एक्स बराबर एक्स की पावर 5 + 4x³ - 3x³ - 7x² + 9x + 5। अब ध्यान से समझना इसको, और इसको कंपेयर करोगे तो आप लोगों को बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, पावर पहले कितनी है 5, फिर उससे एक कम हुई, 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 फिर लास्ट में 0 हो गई। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पावर फिक्स तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी मान ली n, फिर उससे एक कम n माइनस वन, फिर n माइनस टू, ऐसे होते होते लास्ट में 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल था ये था, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखी है। साथ में क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट में क्या है, एक्स की पावर 5 के कोफिशियंट में क्या है, 1 है। यहाँ पे वही कोफिशियंट की जगह पे क्या आ गया, एक्स की पावर वो सॉरी एक्स एन आ गया। अभी एक्स एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1, 2, 3 से लेके मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी यही है, यहाँ पे ए नोट, ए वन, ए एन, ए टू अप टू ए एन, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में वो रियल नंबर कितना 1 है, जैसे यहाँ पे उससे एक कम पावर यानी ए एन माइनस 1 है,
ठीक है, वहां पे उसकी जगह पे कितना 4 है, फिर यहाँ पे ए एन माइनस टू की जगह पे कितना है माइनस का 3 है। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है जिसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं वेरिएबल्स की पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोलते हैं। किसी भी पॉलीनोमियल को अगर लिखना है तो हमारे को हमेशा क्या करना है, उसके जनरल फॉर्म में फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए एन जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसकी हाइएस्ट पावर कितनी रह गई, एन माइनस वन, क्योंकि ये टर्म तो पूरा ही खत्म हो गया ना, क्योंकि एक्स ए एन जीरो हो गया तो ये पूरे को जीरो कर देगा, तो हाईएस्ट पावर एन माइनस वन। तो अगर हम इस पॉलीनोमियल को एन पावर वाला पॉलीनोमियल बोल रहे हैं, जिसको बोला जाता है एन डिग्री का पॉलीनोमियल। अब डिग्री क्या होती है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक यही होने वाला है, डिग्री क्या होती है। अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, किसी भी पॉलीनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो ये पावर 5 क्या है, जो 5 है ये हमारी इस पूरे पॉलीनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को याद रहेगी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि अगर ये पूरा जीरो हो जाता, मान लो ये पूरा जीरो हो जाए, तो अब हाईएस्ट पावर कितनी है 4 आ गई, मतलब इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर मैं इस पॉलीनोमियल को 5 डिग्री का पॉलीनोमियल बोलूंगा, ये तभी पॉसिबल है जब इसके कोफिशियंट में कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यही इसीलिए बोला है कि ऐसा ये वाला एक्सप्रेशन जहाँ पे ए एन नॉट इक्वल जीरो हो, ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन, ये वाले सारी रियल नंबर्स हो, तो ये क्या कहलाता है, पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव। और साथ में ये भी ध्यान रखना है भाई, पॉलीनोमियल होने की कंडीशन नहीं भूलनी है हमें। पॉलीनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, या होल नंबर होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर ये तीनों कंडीशन कहीं पे सेटिस्फाई हो रही है, जो जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो कोफिशियंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, सारे कोफिशियंट रियल नंबर होने चाहिए, और साथ में सभी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होने चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये वाला जो पॉलीनोमियल है वो क्या कहलाता है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीनोमियल बोलेंगे ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन का क्यों बोला है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 5 है, वो सॉरी यहाँ पे एन है। इस वाले केस को हम, इस वाले पॉलीनोमियल को क्या बोलेंगे, ये वाला पॉलीनोमियल है इन एक्स ऑफ डिग्री 5। क्यों, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी, यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक। तो ये वाला पॉलीनोमियल क्या कहलाएगा, डिग्री 5 का पॉलीनोमियल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो ये सारे रियल नंबर वाले कोफिशियंट है, साथ में यहाँ पे जो एक्स हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशियंट, उसका कोफिशियंट जीरो नहीं है। इसके अलावा सभी वेरिएबल की पावर क्या है, इंटीजर दिख रही होगी, कौन सा वाला इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर दिख रहा होगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अभी इस वाले पॉलीनोमियल को क्या बोल सकते हैं, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 5 बोल सकते हैं। भाई इस वाले को पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन बोला है, तो इसी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो टर्म्स क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के जो प्लस माइनस से सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। तो ये वाला एक टर्म होगा, ये वाला एक टर्म होगा, ये पूरा टर्म होगा, ये पूरा टर्म होगा, तो ये सब क्या कहलाएंगे, एक्स की ए एन, एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स की पावर ए एन माइनस वन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्स की पावर एन के ये के मल्टीपल में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या ए एन है, एक्स की पावर एन माइनस वन के मल्टीप्लाई में क्या है, ए एन माइनस वन है। तो एक्स की पावर एन का कोफिशियंट क्या होगा, ए एन होगा। एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशियंट क्या होगा, ए एन माइनस वन होगा। एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशियंट क्या होगा, ए एन माइनस टू होगा। तो उसी तरीके से ए एन माइनस वन अप टू ए एन, ए वन, ए नॉट, ये क्या है, कोफिशियंट्स है किसके, एक्स की पावर एन का कोफिशियंट क्या होगा, ए एन होगा। एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशियंट क्या होगा, ए एन माइनस वन होगा। और एक्स यहाँ पे ऐसे फर्दर आगे चलोगे, एक्स की पावर वन का कोफिशियंट क्या होगा, ए वन होगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, जहाँ वेरिएबल नहीं होता उस टर्म को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट टर्म बोला जाता है। तो कॉन्स्टेंट टर्म एक्चुअल में किसका कोफिशियंट मान सकते हो, एक्स की पावर जीरो का कोफिशियंट है। तो ये वाले सारे के सारे जो है कोफिशियंट है किसके, रेस्पेक्टिवली इन सभी के कोफिशियंट है। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक लास्ट चीज़ और है, जो हाईएस्ट
डिग्री हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है इसको लीडिंग टर्म बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसका जो कोफिशियंट होगा उसको लीडिंग कोफिशियंट बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और लास्ट में जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता उसको कॉन्स्टेंट टर्म बोला जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ मैंने यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से हमारे को क्या करना है, पॉलिनोमियल्स बताने, कौन कौन से पॉलिनोमियल है कौन कौन से नहीं है। तो अभी मैंने समझाया कि पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है, ये कंडीशन दिमाग में बिठा लो। कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो पावर्स क्या होनी चाहिए, बस होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है इसका मतलब कि वो वाले जो एक्सप्रेशंस होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमारे को इन सब में वही करना है, हमें वेरिएबल्स को ढूंढना है, वेरिएबल्स को पिक करना है, वेरिएबल्स की पावर को देखना है। अगर सभी वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर आती है, तो हम बोल देंगे कि पॉलिनोमियल्स है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखो पहले वाले केस में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पावर इसकी कितनी है, 3 है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम क्या मान सकते हैं, एक्स की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में से आ रही है, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 इन्हीं में से कहीं आ रही हो तो बोल सकते हो कि क्या है, ये वाला वेरिएबल, ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसके सभी की पावर इन्हीं में से आ रही है तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। अब इसको चेक करें तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे एक्स क्या रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब मैंने बताया था पावर 1/2 है, यहाँ पे कितनी है, 0 है। तो जैसे ही पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद में इसको करें तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी 0 है। तो यानी ये भी होल नंबर में से आ रहा है। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करें इसको तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे नीचे एक्स है डिनोमिनेटर में। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। भाई यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अभी हमने देखा था कि होल नंबर होनी चाहिए, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो ये वाली तो नॉन नेगेटिव नहीं होगी, ये तो नेगेटिव होगी, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी, -1। फिर अगर हम इसकी बात करें तो देखो एक्स की पावर 4 है, ये तो डायरेक्ट साफ साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की पावर 3/2 हो गई, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, -1, यानी नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, तो ये भी कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। फिर इसको चेक करके देखें तो देखो यहाँ पे नीचे एक्स की पावर कितनी है, -1, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1। तो 2+3 एक्स की पावर 1 हो जाएगी और +4x। अब देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उन सब की पावर क्या, होल नंबर आ रही है क्या, यहाँ पे 0 है पावर, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो यहाँ पे सबकी पावर क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है। तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ रही होगी। बस दिमाग में ये बिठा लेना है कि पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। फिर हम इसको करके देखें तो देखो यहाँ पे ऊपर एक्स की पावर 3/2 है, नीचे एक्स की पावर 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, यानी पावर 1/2 है। तो अब डायरेक्ट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, एक हमारा 1/2, 3/2 दिख रहा होगा, तो वैसे ही बोल सकते हैं कि डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना पड़ेगा, ये एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, 2x की पावर 3/2 पहले से था और -1/2 और आ गया। जब पावर से आप लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट वाले पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th में भी 9th में भी, ठीक है। तो जब बेस क्या होता है, बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस एक्स है, यहाँ पे भी बेस एक्स है, दोनों की पावर डिफरेंट है और दोनों डिवाइड में लिखे हुए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3/2 -1/2 करेंगे तो कितना, और यहाँ पे एक्स की पावर 2 चल ही रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 3 - 1 किया तो +x², यहाँ पे 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी इसको फर्दर सोल्व करने पर एक्चुअल में कितना आ गया, ये बन गया। जब ये बन गया तो क्या यहाँ पे अब इस फाइनल रिजल्ट को देखोगे कि यहाँ पे पावर क्या है, हमारी होल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या है, एक हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इसको ध्यान से समझो, इसमें पावर ये देखो x+1 समथिंग है, तो इसको हम ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर अकेला x होता तो हम ऊपर ले जा सकते थे, यहाँ पे x-1 है। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं इनको एक्चुअल में बोला जाता है रैशनल फंक्शंस।
ठीक है, तुम आप लोग थोड़ा सा बस याद रख लेना कि जो भी रैशनल फंक्शंस होते हैं ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसका कारण क्या है, क्यों? क्योंकि इसको हम ऊपर नहीं ले जा सकते, सोल्व नहीं कर सकते। तो अभी दिमाग में रखो कि रैशनल फंक्शंस होते हैं, रैशनल फंक्शंस क्या होंगे, हम कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। आगे जाके 11th क्लास में आप लोग इनको डिटेल में पढ़ोगे। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक्स दिख रहा होगा, जैसे ही नीचे एक्स तक दिखते ही दिमाग में एक क्लिक होता है कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या कुछ सोल्व हो सकता है। तो ये एक्स इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के भी नीचे है, और इस एक्स के भी डिनोमिनेटर में आएगा, और ये एक्स की पावर 4 के भी डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ से एक एक्स कट गया, यहाँ पे एक्स से एक्स डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3x बच गए, तो यहाँ पे तो x बचा, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 3x की पावर 3 आई। अब देखो इसके हिसाब से सोचो कि इसके हिसाब से क्या होगा। तो यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, होल नंबर में से आ रही है, तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर को आप अच्छे से देखना, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या हो, आप लोगों को ये चीज़ें याद रह सके। इसके साथ ही हमारे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।